हे हेलो एवरीवन दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। द पॉलिटिकल मास्टर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में क्लास 10 के एसएसटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर करने वाले, तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। और मैं एक बार फिर कह रहा हूँ दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक देखिए, क्योंकि इस क्वेश्चन में से अधिकतर क्वेश्चन जो है दोस्तों आपको 31 तारीख जो आपका एग्जाम होने वाला है उसमें देखने को मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। इस वीडियो का जो इंग्लिश वर्जन है दोस्तों, इंग्लिश मीडियम वाला, उन बच्चों के लिए दोस्तों थोड़ी देर बाद मैं अपलोड कर दूंगा, तो प्लीज़ वो लोग किसी प्रकार की टेंशन ना लें। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए भी मैंने क्वेश्चन को सेट कर लिया दोस्तों, इसके बाद वो भी मैं आप सभी के लिए अपलोड कर दूंगा। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले जान लेते हैं ना आपको क्या क्या पढ़ना है। देखो आपको ये जरूर पता होना चाहिए क्लास 10th के एसएसटी के विद्यार्थियों को कि आपके सिलेबस क्या क्या आ रहा है। तो अगर हम देखो हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री में केवल चैप्टर 1 और चैप्टर 2 आ रहा है, ठीक है, याद रखना चैप्टर 1 और चैप्टर 2 आ रहा है हिस्ट्री में। इसके अलावा ज्योग्राफी की अगर बात करें दोस्तों, ज्योग्राफी में चैप्टर 1 संसाधन एवं विकास आ रहा है आपका, आपका जो कृषि चैप्टर 4 आ रहा है, चैप्टर 3 जो है जल संसाधन उसमें केवल मैप आ रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों जो चैप्टर 5 है आपका खनिज तथा ऊर्जा संसाधन, इसमें भी केवल मैप आ रहा है और कुछ भी नहीं आ रहा है। देन आपका चैप्टर 6 आ रहा है विनिर्माण उद्योग, और चैप्टर 7 आ रहा है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। अगर पॉलिटिकल साइंस की बात करें दोस्तों, तो पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर 1 सत्ता की साझेदारी, संघवाद चैप्टर 2, ठीक है, 6ठा चैप्टर राजनीति दल, और चैप्टर 7 लोकतंत्र के परिणाम, ये आ रहा है। और अगर हम इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र की बात करें तो विकास आ रहा है चैप्टर 1 दोस्तों, चैप्टर 2 भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र का रहा है, चैप्टर 3 मुद्रा और साख, और चैप्टर 4 वैश्वीकरण भारतीय अर्थव्यवस्था। तो ये आपके जो है सिलेबस है, तो इसको आप जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं। आप इन सभी क्वेश्चनों को दोस्तों प्लीज़ स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगर जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक दो चैप्टर के दोस्तों भी हो सकता है, मैंने अभी शामिल नहीं किया, लेकिन उसका मैं एक सेपरेट वीडियो आप सभी तक दे दूंगा, तो वो भी आप कर लीजिएगा। तो इन सभी का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों। जर्मनी के राष्ट्र राज्य बनाने की प्रक्रिया, ठीक है, बिस्मार्क की जर्मनी निर्माण में भूमिका, ये क्वेश्चन आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। उदारवादी जर्मन राष्ट्र बनाने की कोशिश असफल हो गई, ये सारी चीज़ आपको देखना है, ठीक है। इटली की राष्ट्र राज बनाने की प्रक्रिया, मेसिनी के निर्माण में भूमिका, ठीक है, 19वीं सदी के मध्य में इटली 7 राज्यों बटा हुआ था, ये सारे क्वेश्चन दोस्तों आपको देख लेना है। इन सभी क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों, ठीक है। 1804 की नागरिक संहिता यानी नेपोलियन की जो नागरिक संहिता है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। फ्रांस द्वारा जीते हुए इलाकों में लोग फ्रांस के दुश्मन क्यों हो गए, ठीक है। इसके अलावा अगर हम दोस्तों इसमें से भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से अगर जो भी क्वेश्चन रह गया तो उसको एक सेपरेट छोटी सी वीडियो बनाकर आप सभी को दे दूंगा मैं। भारत में राष्ट्रवाद से ये क्वेश्चन आपको, देखो भारत के राष्ट्रवाद में गांधी से जो तीनों सत्याग्रह दोस्तों, इसकी वीडियो मैंने पहले बना रखी है, यानी रोलट सत्याग्रह। तो अगर हम बात करें दोस्तों सविनयावाज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा, और इसके अलावा अहमदाबाद मील सत्याग्रह, यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा दोस्तों। तो प्लीज़ इन सभी का स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा। इसके अलावा खिलाफत आंदोलन दोस्तों, गोलमेज सम्मेलन से क्वेश्चन पूछा जाएगा, जलियांवाला हत्याकांड, तो ये सब चीज़ें आप स्क्रीन शॉट ले सकते हैं, ठीक है। इन सभी का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसके अलावा भी एक दो, मतलब अगर हम देखें 2-3 चैप्टर का क्वेश्चन और है, मैं आप सभी डाल दूंगा वो, तो इन सभी का स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ठीक है दोस्तों, इन सभी का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। इन्हीं में से आपको अधिकतर क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे पेपर में दोस्तों, ठीक है। और रेल परिवहन की गुण और महत्व, पाइपलाइन के लाभ व हानि, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के राष्ट्र का बैरोमीटर क्यों कहा जाता है, ठीक है, यह क्वेश्चन। इसके अलावा दोस्तों ये राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के जो जलमार्ग है आप देख सकते हैं, उत्तरी दक्षिण गलियारा किस स्थानों को जोड़ता है, श्रीनगर कन्याकुमारी, पूरी पश्चिम गलियारा किस तरह जोड़ता है, सिलचर पोरबंदर, राष्ट्रीय राजमार्ग का रखरखाव कौन करता है, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग। तो यहाँ से भी दोस्तों आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे पेपर में, एक दो क्वेश्चन इसमें से जरूर आएगा, तो इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहाँ से क्वेश्चन पूरे पूरे बनने की संभावना है, तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, और वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लें, और आप इसको लिख भी सकते हैं। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे, ठीक है, 1915, 10 जनवरी 1915, गांधी जी भारत में पहला आंदोलन था, आंदोलन स्थल चंपारण,
जलियांवाला बाग में लोग किस एक्ट का विरोध कर रहे थे? रोलट एक्ट का विरोध कर रहे थे। अली बंधु नाम से प्रसिद्ध व्यक्ति है मोहम्मद अली और शौकत अली। इन्होंने खिलाफत आंदोलन की शुरुआत करी थी। कांग्रेस के किस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन पर सहमति बनी? 1920 में नागपुर अधिवेशन में। 1920 में किस पार्टी ने चुनाव हिस्सा लिया? जस्टिस पार्टी ने। अवध किसान सभा गठन किसने किया? बाबा रामचंद्र ने। सूती कपड़ा कारखानों के मजदूरों का आंदोलन कब हुआ? ये सब चीज़ें दोस्तों आपको लिखनी है, ठीक है। दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना किसने की? अम्बेडकर ने। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कब पारित हुआ? 1919। स्वराज पार्टी संस्थापक सी आर दास और मोतीलाल नेहरू। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन 100 नहीं 200% बनेंगे दोस्तों, 200%। तो प्लीज़ इसको स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा आप, ठीक है। सभी क्वेश्चन कर लीजिए। रेल परिवहन के 3 उपयोग लाभ बताइए, ठीक है। पाइपलाइन के परिवहन के क्या उपयोग लाभ है? जल परिवहन के क्या लाभ हैं, ठीक है। नैनी जलमार्ग भारत के 3 राष्ट्रीय जलमार्ग का नाम बताइए। नैनी जलमार्ग हल्दिया से इलाहाबाद, नौ मार्ग जलमार्ग जो है सदियों से सदिया से धुवरी, नौ मार्ग जलमार्ग जो है दोस्तों वो है कोटापुरम से कोल्लम, ठीक है। वायु परिवहन के लाभ, इसके अलावा सीमांत सड़कें क्या है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों, ठीक है। इन सभी का प्लीज़ स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और यहाँ से क्वेश्चन 100% आपको देखने को मिलेगा दोस्तों, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर से फर्स्ट चैप्टर के कुछ क्वेश्चन दोस्तों मैंने पहले भी दे दिया। आप जिन बच्चों ने वाली वीडियो नहीं देखी उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, प्लीज़ वो वीडियो जरूर देखिएगा, वहाँ से क्वेश्चन पूरे पूरे बनेगा दोस्तों, ठीक है। तो इसके अलावा मैं आपको कहूँगा कि इसके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस आपको एनसीईआरटी पढ़ लेना है। इसमें ये सारे एनसीईआरटी से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए दोस्तों थोड़ी देर में वीडियो डालूंगा, बस इंग्लिश वर्जन उसका मैं कन्वर्ट करवा रहा हूँ। जैसे हो जाएगा दोस्तों वैसे मैं आप सभी को डाल दूंगा, आज ही डाल दूंगा, ठीक है। तो टेंशन ना लीजिए, उन सभी बच्चों के लिए भी मेहनत कर रहा हूँ, उनके भी आ जाएंगे भी, ठीक है। इन सभी क्वेश्चन का आप प्लीज़ स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पढ़ लीजिए, 31 तारीख को पूरे पेपर में आग लगा कर आ जाइए और अच्छे नंबर से प्लीज़ पास हो जाइए, ठीक है। तो ये इसलिए मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ दोस्तों, मैं अभी अपनी ऑफलाइन जो क्लासेज वो छोड़ के आप लोगों के लिए लगातार मेहनत कर रहा हूँ। तो प्लीज़ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, और हमारे चैनल द पॉलिटिकल मास्टर को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा से शेयर करो, इसे ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें, ताकि और हमारा प्रोत्साहन बढ़े, हम आप सभी के लिए इसी तरह और अच्छी तरह से कार्य करते रहें। इन सभी को स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, ठीक है। ये सारे आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। विनिर्माण उद्योग, कृषि और उद्योग, ये दूसरे पूरक कैसे हैं, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना है पूरे पूरा, ठीक है। और ये है दोस्तों मैप, तो मैप दोस्तों इससे बाहर आपको जाने वाले 5 नंबर इससे बाहर जाने वाले नहीं है। राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन केंद्र कलकत्ता 1920, नागपुर दिसंबर, मद्रास 1927। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े केंद्र हैं नील उत्पादकों का आंदोलन, किसान आंदोलन, सूती वस्त्र उद्योग, सरियल बाग उत्तराखंड, वह स्थान जहाँ से आंदोलन वापस लिया गया चौरा चौरी उत्तर प्रदेश, वह स्थान जहाँ से सविनय बाग आंदोलन शुरू हुआ दांडी गुजरात। तो मैप में दोस्तों ये क्वेश्चन देखो, मैप इससे बाहर आने वाला नहीं है। तो भारत के प्रमुख बांध सलाल बांध, भाड़ा नागल बांध, टिहरी, हीराकुंडा, राणा प्रताप सागर, सरदार सरोवर, तुंगभद्रा, नागार्जुन। भारत के लौह अयस्क खदान जो हैं दुर्ग है, बेलाडीला है, मयूरभंज है, बिलारी है, कुंद्रमुख है। तो ये आपको इससे बाहर जो कह सकते हैं, इसके दोस्तों बाहर मैप आने वाला नहीं है। मैप के अलावा भी इसमें से क्वेश्चन और पूछे जा सकते हैं, तो आप प्लीज़ इसको स्क्रीनशॉट सही से ले लीजिएगा, ठीक है। सूती वस्त्र केंद्र है, लौह इस्पात केंद्र प्रमुख, सॉफ्टवेयर पार्क प्रमुख, समुद्री पत्तन, अंतर्राष्ट्रीय हवाई पत्तन प्रमुख, मिट्टी जलोढ़ है, लाल काली लेटराइट पर्वतीय मिट्टी, वन मिट्टी, शुष्क मिट्टी, गेहूँ उत्पादक क्षेत्र कौन कौन से, चावल उत्पादक क्षेत्र कौन कौन से, नवीनीकरणीय संसाधन, अनवीनीकरण संसाधन, पुनः उपयोगी संसाधन और पुनः अनुपयोगी संसाधन, ठीक है। वर्तमान प्रतिभूमि तथा अन्य प्रतिभूमि में अंतर क्या है? शुद्ध बोए गए क्षेत्र से क्या अभिप्राय है? कुल बोए गए क्षेत्र क्या होता है? बंजर भूमि तथा गैर कृषि भूमि में अंतर बताइए। खाद और बांगर में अंतर स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन यहाँ से 100% आएगा तो प्लीज़ स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा, और ताकि आप अच्छी तरह से अपने आप को सुरक्षित कर लें एग्ज़ाम को लेकर। बस 1-2 दिन इसका रिविज़न कर लीजिए। कल भी मैं आप सभी के लिए इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट और शॉर्ट नोट्स का तैयार करूँगा, तो वो चीज़ें हैं आपको करनी है दोस्तों। तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबाने बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों, ठीक है। दामोदर नदी घाटी परियोजना कहाँ पर? दामोदर नदी पर है। भाड़ा नांगल परियोजना कहाँ पर? सतलुज नदी पर है। इंदिरा गांधी परियोजना व्यास सतलुज लिंक है। कोसी परियोजना कोसी नदी, हरियोकोंडा महानदी, तुंगभद्रा परियोजना तुंगभद्रा नदी, नागार्जुन कृष्णा नदी, चंबल परियोजना चंबल नदी, नर्मदा घाटी परियोजना नर्मदा नदी। तो ये आपको करना मैप में, मैंने भी देखो यहाँ पर मैप भी दे रखा है दोस्तों, तो मैप को भी आप कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको सहयोग मिल जाएगा दोस्तों, स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा, और इसका जो PDF भी मैं आप सभी को अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, वहाँ से आप जाकर इसे ले सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल पर आपको सर्च करना है द पॉलिटिकल मास्टर, रोपड़ कृषि के कोई 3 विशेषताएं बताइए, ठीक
गेहूं के लिए अनुकूल भौगोलिक परिस्थिति, देखो गेहूं के लिए अनुकूल भौगोलिक परिस्थितियाँ, इसके अलावा चाय के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ, कपास के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ, यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएगा दोस्तों, ठीक है। तो इसे करना जरूर, बिल्कुल भी मत भूलिए इसे करना, आपको 100% चावल के लिए, गेहूं के लिए, चाय के लिए जो अनुकूल परिस्थिति है, इसके अलावा गन्ने के लिए भी अनुकूल परिस्थितियाँ जो पिछली बार पूछे गए थे वो भी आपको करना है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन 5 नंबर में पूछा जाएगा जरूर दोस्तों, ठीक है। कपास के लिए भौगोलिक परिस्थितियाँ कौन कौन सी हैं, तो ये आपको कर लेना है दोस्तों। लो अयस्क क्षेत्र देख सकते हैं आप, ठीक है, लो अयस्क क्षेत्र है, लो अयस्क खाने हैं, लो अयस्क निर्यात स्थल है, तो ये आपको कर लेना है। और आप अच्छी तरह से दोस्तों अच्छे से पास हो जाएंगे, मैं गारंटी देता हूँ। अगर आपने पूरा क्वेश्चन कर लिया तो आप SST में 80+ 90+ नंबर ला सकते हैं, बस आपको पूरा सही तरीके से कर लेना है दोस्तों। भारत में प्रथम जूट मिल कब और कहाँ लगाई गई, लोहा इस्पात उद्योग के भारी उद्योग क्यों कहा जाता है, भारत में रूस के सहयोग से स्थापित 2 लोहा इस्पात कारखानों का नाम बताइए, भारत में जर्मनी तथा ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित 1-1 लोहा इस्पात का उद्योग का नाम बताइए, ठीक है। ये सारी चीज़ आपको कर लेनी दोस्तों। इसके अलावा जो भी क्वेश्चन छूटा दोस्तों, उन सभी के लिए मैं एक छोटी सी स्पेशल वीडियो बना के दोस्तों आप सभी को दे दूंगा, वहाँ से भी आप देख लीजिएगा। कांडला, ठीक है, नहवा, मार्मोगवा, न्यू बंगलोर, कोच्चि, चेन्नई, तूतुकुड़ी, विशाखापट्टनम, पारादीप, कोलकाता, यहाँ से क्वेश्चन आने वाला है दोस्तों। तो अगर SST की बात, उसमें पॉलिटिकल साइंस की बात करें तो दोस्तों सत्ता की साझेदारी से क्वेश्चन यहाँ से बनने बनेगा, सत्ता की साझेदारी क्या है, बेल्जियम से क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो है श्रीलंका का संविधान कब बना, 1956, ठीक है, वहाँ कौन कौन सी जाति रहती है, जनसंख्या रहती है, तो यहाँ से क्वेश्चन बनने वाले पूरे पूरे संभावना दोस्तों, तो ये आपको जरूर कर लेना है, ठीक है। ये जो हमारा चैप्टर 2 है दोस्तों, संघवाद, संघवाद से भी आपका पेपर में क्वेश्चन बनेंगे, संघवाद के और भी क्वेश्चन मैं आप लोगों को ला के उसमें वीडियो बनाकर सेपरेट डाल दूंगा दोस्तों, उसको देख लीजिए, क्योंकि ये जो PDF और वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है, इस वजह से मैंने उसमें थोड़ा क्वेश्चन नहीं डाले, बट कुछ जितने भी इंपॉर्टेंट है अभी तक के लिए दोस्तों मैंने डाल दिया, वो प्लीज़ आप कर लीजिएगा। जो भी चैप्टर अभी बचे हैं दोस्तों, एक या दो चैप्टर रह गए हमारा, वह है हमारा राजनीतिक शास्त्र का, उसका मैं आप सभी को डाल दूंगा, तो उसको लिए टेंशन मत लीजिएगा। सारे क्वेश्चन मैं गारंटी कहता हूँ दोस्तों, अगर आपने सारे क्वेश्चन कर लिए तो 100% आप अच्छे नंबर से पास होने के पूरे पूरे सम आप में रहेंगे। तो अगर हम देखें दोस्तों, लोकतंत्र, लोकतंत्र के परिणाम क्या रह गए, और लोकतंत्र की जो है राजनीति दल, ये 2 चैप्टर रह गए हैं, इन 2 चैप्टर की वीडियो में दोस्तों आप सभी सेपरेटली डाल दूंगा, और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा है जो है आपके ज्योग्राफी की, तो ये क्वेश्चन आप सभी को मिल जाएंगे दोस्तों नेक्स्ट टाइम में, अगर हो सकता है मैं कल ही डाल दूँ। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी है दोस्तों, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और हमारे चैनल द पॉलिटिकल मास्टर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए दोस्तों, हमें इसी तरह प्यार देते रहिए ताकि हमारा मनोबल और लगातार बढ़ता रहे दोस्तों। तो ये सारे क्वेश्चन दोस्तों आप एक बार कर लीजिएगा, ठीक है। देन उसके बाद में आप इंग्लिश वाले मीडियम वाले बच्चों के लिए भी क्वेश्चन लाऊंगा दोस्तों, तो प्लीज़ किसी प्रकार की पैकिंग ना लें, वीडियो आप सभी के लिए आ रही है, बस थोड़ा सा वेट कर लीजिए, आज शाम तक वीडियो आप लोगों के लिए भी अवेलेबल हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।